नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज 20 तारीख है और वीरवार है और शाम के 5 बजे हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम अपने किचन गार्डन का अपडेट देंगे और आपको दिखाएंगे कि हमने जो भी सीड लगाए थे सब्जियों के, तो उनकी ग्रोथ कैसी चल रही है, कौन सी वाइन में या प्लांट में सब्जियां आना शुरू हुई है और कौन सी में नहीं। और साथ ही साथ जो भी सब्जियां हमारे किचन गार्डन में रेडी हो रही होंगी, तो उनको भी आज आपके साथ हार्वेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख सकें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं फिर हम अपने किचन गार्डन की तरफ। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम हमारे बैंगन के प्लांट के साथ में। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे इसमें बैंगन लगे हुए हैं और आज हम इनको हार्वेस्ट करेंगे और बिल्कुल ये रेडी हो गए हैं। और ये आप देख सकते हैं, इसमें छोटे छोटे भी बैंगन आ रहे हैं और ये बड़े बड़े भी हो गए हैं। तो जो बड़े हो गए हैं उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसको काटो बेटा। और इसी के पास में ये हमारे गोभी के प्लांट भी आप देख सकते हैं लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी। इस काटो बेटा। ये थोड़ा छोटा है इसको। और दोस्तों, ये प्लांट है ना हमारा लास्ट ईयर का है, और इसलिए इसमें थोड़ा सा जल्दी ये बैंगन बन गए हैं और मतलब फ्रूट आना शुरू हो गया है। लेकिन जो हमने नए लगाए हैं, इसको काटो बेटा, और जो हमने मतलब इस ईयर लगाए हैं अभी कुछ दिनों पहले, तो अभी उनमें छोटे छोटे है ना फूल आना शुरू हुए हैं, और कुछ दिनों बाद उनमें भी बैंगन लगने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये हमारी लौकी की वाइन चल रही है, कितनी बढ़िया आप देख सकते हैं ये कितनी लौकी आ रही हैं। ये छोटी छोटी लौकी आ रही हैं और ऊपर तक ये हमारी वाइन चल रही है। और आपको दिखाएं कि हमारे इस जो है पंपकिन की वाइन में एक ये पंपकिन बनना भी शुरू हो गया है। ये पहला ही पंपकिन बन रहा है, छोटा सा बन रहा है और बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं। और इसको तो हम अभी निकालने वाले थे दिवाली के बाद में, लेकिन अब इसमें ये पंपकिन आ गया है, तो इसको हार्वेस्ट करने के बाद ही हम वाइन को निकालेंगे। और दोस्तों, ये हमारे बैंगन के प्लांट हैं जो हमने कि अभी कुछ दिनों पहले लेके आए थे नर्सरी से सीडलिंग इसकी, और अब इसमें आप देख सकते हैं ये फूल और बैंगन भी बनने शुरू हो गए हैं, और ये सभी बैंगन के पौधे लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं हमारे ये सभी बैंगन के पौधे। और इस बार तो हमने कम से कम 8 से 10 प्लांट लगाए हैं बैंगन के। तो एक दो प्लांट लगाते हैं तो उनमें क्या होता है कि एक बार में जैसे 2-3 बैंगन आते हैं तो उनसे ना तो सब्जी बन पाती है और फिर वो ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। और ये हरी मिर्ची लगी हुई है, हरी मिर्ची के प्लांट, तो इसको हमने सीड से ही इनको ग्रो किया है और काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं अब हमारे हरी मिर्ची के प्लांट भी। और यहाँ हमारे खीरे के प्लांट लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये खीरे आ रहे हैं छोटे छोटे और काफ़ी अच्छे से चल रही है। और ये भी हमारा खीरे की ही एक वाइन है, बिल्कुल हमने ये सीड से ही ग्रो की है और आप देख सकते हैं ये खीरे बन रहे हैं। वैसे इससे पहले भी हमने खीरे के प्लांट लगाए थे, मतलब जो सीड लगाए थे, लेकिन क्या हुआ कि इतनी बड़े साइज की ही वाइन हो गई थी हमारी, और लगातार 3-4 दिनों तक अभी कुछ दिनों पहले बरसात आई थी, तो हमारे सभी खीरे के प्लांट खराब हो गए। क्योंकि ये चाइनीज़ खीरे हैं और इनमें ज़्यादा पानी पड़ जाता है, तो बिल्कुल ही ये हमारे वाइन ख़राब हो जाती हैं। और दोस्तों, यहाँ ये हमारे टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं और इनमें भी ये आप देख सकते हैं फूल बनने शुरू हो गए हैं। और ये है हमारा
फूल गोभी, ये पत्ता गोभी है और ये भी पत्ता गोभी है, ये भी पत्ता गोभी के प्लांट लगे हुए हैं और ये लगे हुए हैं हरी मिर्ची के प्लांट। तो इनमें तो ये छोटी छोटी हरी मिर्ची बननी शुरू हो गई है और फ्लावर भी आ रहे हैं। तो ये भी हरी मिर्ची का प्लांट है, तो आप देख सकते हैं ये हरी मिर्ची बनने लगी हैं और काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं सीड से लगाए हुए प्लांट। और दोस्तों ये प्लांट तो है ना, हमने जो हमारे घरों में लाल मिर्च आती है तो लाल मिर्च का सीड ही हमने डाल दिया था और फिर ढेरों प्लांट निकल आए थे और इस तरह से फिर हमने ये इनको अलग अलग करके लगा दिया और अब बहुत सुंदर सुंदर ये प्लांट बन गए हैं। और यहाँ हमारी है ना ये लगी हुई है एक तोरी, ये तो आप देख सकते हैं ये कितने बड़े साइज की हो गई है तोरी, तो आज इसको भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और ये भी है ना, जैसे हमारे ये छूट गई थी, पत्तों में दबी रह गई थी इसलिए नहीं दिखाई दी। और इस अब आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी कितनी सारी तोरी बन रही हैं, तो ये भी है ना कुछ दिनों के बाद बड़ी हो जाएंगी और ये भी एक तोरी बन रही है छोटी सी। तो इस तरह ऐसे ही करते करते कई तो तोरी हो जाएंगी। और दोस्तों हमारे यहाँ तोरी में ना अब फ्रूट आना शुरू हुआ है और पहले जो हमने लगाए थे, मतलब जैसे फरवरी में सीड लगाए थे तो वो तो हमारे तेज़ गर्मी के कारण ख़राब हो गए थे और ये हमने बाद में सीड लगाए थे तो उनमें ये तोरी लग रही हैं। और इसमें वाटर टैंक में आप देख सकते हैं ये पत्ता गोभी के और फूल गोभी के भी हमने ये प्लांट लगा दिए हैं और इसमें ये शलगम के भी छोटे छोटे प्लांट निकल रहे हैं। और ये वाइन ना आप देख सकते हैं कहाँ तक जा रही है, बिल्कुल दूर दूर तक फैल रही है वाइन। और ये हमने इसको ना एक जैसे रस्सी का भी सहारा दे दिया है और यहाँ भी एक तोरी लगी हुई है, तो इसको भी आज हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो इसको तो हमने हाथ से ही तोड़ दिया है और एक छोटी सी तोरी ये लग रही है और एक ये लग रही है, तो मतलब कि यहाँ भी कई तोरी लग रही हैं और अब इनमें बहुत ही अच्छी अच्छे से फ्रूट बन रहे हैं। और ये नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं नीचे भी काफ़ी अच्छी वाइन चल रही है। और इसमें ये एक पम्पकिन का भी प्लांट लग रहा है लेकिन ये छोटा सा है, चलेगा नहीं, तो जब तक चल रहा है ठीक है वरना इसको हम निकाल देंगे। और दोस्तों यहाँ भी ये हमारा ग्वारफली का प्लांट लगा हुआ है लेकिन अब इस ग्वारफली के प्लांट को हम हटा देंगे ताकि इन गोभी के जो पौधों को एनर्जी मिल सके और इनकी अच्छी ग्रोथ हो सके, क्योंकि ग्वारफली के जो प्लांट का सीज़न अब लगभग जा चुका है और जिनमें ग्वारफली लग रही हैं तो उनको रहने देंगे। और यहाँ भी ये हमारे जो है फूल गोभी लगी हुई है, ये भी फूल गोभी है। और दोस्तों हमारे सभी पॉट में ना ज़्यादातर ये घास उगाती है, इसको कितना साफ करें लेकिन फिर भी ये अपने आप ही ग्रो हो जाती है। और ये एक बैंगन का प्लांट लगा हुआ है और ये मूंग का प्लांट है, तो इसमें ये मूंग के दाल की जो है फलियां लगी हुई हैं, ये सूख गई है और ये छोटी छोटी लग रही हैं। और इसमें भी ये एक गोभी के पौधे को हमने लगा दिया है और अब इसको मूंग दाल का जो भी ये प्लांट है तो इसको हम हटा देंगे। और वहाँ भी दोस्तों आपको दिख रहा होगा वो वहाँ भी है ना एक तोरी लग रही है, तो वो भी हमने तोड़ ली है। और बाकी बेल भी आप देख सकते हैं कितनी सारी हमारे तोरी की वाइन लगी हुई हैं। और दोस्तों यहाँ ना हमने ये टमाटर के पौधों को रिपोर्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं एक एक ग्रो बैग में हमने ये तीन तीन प्लांट लगा दिए हैं टमाटर के। और ये पौधों मतलब ये जो ग्रो बैग हैं 12x12 के हैं और इनकी चौड़ाई भी काफ़ी है और ऊंचाई भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है। और ये हमारे जो है शिमला मिर्च के प्लांट हमने रिपोर्ट कर दिए हैं, एक एक अलग अलग करके लगा दिया है। और भी ये टमाटर के प्लांट बचे हुए हैं, ये वाइन वाली वैरायटी है और ये जो हमारे नॉर्मल टमाटर होते हैं उनकी और भी ये पौध लगी हुई है। और ये शिमला मिर्च की और पौध बची
हुई है हमारे पास, जो हमने ये सीड से ग्रो किए थे। तो कुछ को तो हमने रिपोर्ट कर दिया है, और लेकिन ये कुछ और बचे हुए हैं, तो धीरे धीरे करके हम सभी को रिपोर्ट कर देंगे। क्योंकि अभी जो हमारे समर सीजन की सब्जियां लगी हुई हैं, तो उनके जो हमारे जो है ग्रो बैग खाली होंगे, तो उनमें हम इन सभी पौधों को दीपावली के बाद रिपोर्ट कर देंगे। और तब तक ये प्लांट जो पौधे है, इसमें ही बड़ी होती रहेगी। इन ग्रो बैग में हमने ये धनिया की पौध लगाई है, तो धनिया भी है ना ग्रो हो जाएगा अच्छे से। और यहाँ हमने मटर के दाने लगाए हैं। तो पहले जब हमने मटर लगाई थी, तो बारिश के कारण हमारे सभी मटर के प्लांट खराब हो गए थे, और अब हमने दोबारा से मटर लगाई है। अब देखते हैं कि ये ग्रो हो पाते हैं या नहीं। वैसे 3-4 दिन हो गए हैं हमें मटर लगाए हुए, अभी तक तो एक भी प्लांट नहीं दिखाई दे रहा है। और इसमें हमने पालक डाला है, तो पालक भी अभी नहीं निकला है, लेकिन पालक तो ग्रो हो जाएगा, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है पालक। और यहाँ हमारे ये गोभी के प्लांट लगे हुए हैं, और इनमें दोस्तों हमारी ये मूली लगी हुई है, मूली के हमने सीड डाले थे, तो मूली लगी हुई है, और इसमें भी ये मूली के ही प्लांट निकल रहे हैं। और ये हमारे ग्वारफली के जो है पौधे लगे हुए हैं, इसमें ग्वारफली आ रही हैं, और अब ये खराब हो रही है, तो इनको अब हम निकाल देंगे, और कुछ हम मतलब और कुछ इसमें प्लांट लगा देंगे विंटर सीजन के। दोस्तों ये आज की हमारी हार्वेस्टिंग है, ये तोरी हैं और ये बैंगन हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा किचन गार्डन और आज की हमारी हार्वेस्टिंग कैसी लगी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।